हेलो गाइस, दिस इज ऑल न्यू 2024 फेसलिफ्टेड ह्युंडई क्रेटा। तो कुछ इस तरह की जो है इसकी कीज देखने को मिलती है। हाँ, भले ही 2024 में किया सेल्टोस के फेसलिफ्ट में चेंजेस करे गए हैं कीज में, बट इसमें कोई भी चेंजेस आपको नहीं देखने को मिलता। लॉक, अनलॉक एंड बूट अपना रिलीज के लिए जो है यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। एंड होल्ड अगर करके रखते हो आप तो यहाँ पे जो है इंजन भी इसका स्टार्ट हो जाता है। इसका 1.5 लीटर वाला जो है इसमें CRDI डीजल इंजन जो है आपको BS6 फेज 2 के साथ देखने को मिलता है। एंड कुछ इस तरह की जो इसकी फ्रंट लुक्स देखने को मिलती है, सॉर्ट ऑफ डी क्रोम जो है यहाँ पे, ब्लैक कलर के क्रोम जो है यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एंड बहुत ही अलग जो है इसका बोनट एंड फ्रंट लुक जो है आपको देखने को मिलता है। ह्युंडई का लोगो अगेन यहाँ पे देखने को मिलता है, कैमरा एंड रडार जो है यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो कुछ इस तरह की जो इसकी लुक्स आपको देखने को मिलती है। हाँ, अब इसमें एडास भी आपको देखने को मिलता है, इसका SX ऑप्शनल वेरिएंट। एंड कुछ इस तरह की जो है इसकी कनेक्टेड DRLs जो है देखने को मिलती है। हाँ भाई, बट ट्यूबलाइट मत बोलना। बाकी इंडिकेटर्स जो है यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। एंड हेडलाइट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे हाई बीम देखने को मिलता है, एंड लो बीम भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। एंड कुछ फेक स्टॉप्स जो है यहाँ पे देखने को मिलते हैं कुछ इस तरह से। एंड ये जो है वर्क जो है वेंट जो है आपको देखने को मिलता है, काम करता है वेंट। ओरिजिनल रियल वेंट है, फेक वेंट आपको नहीं देखने को मिलता है। एंड साथ ही साथ आपको फ्रंट में 4 पार्किंग सेंसर्स भी जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। कुछ इस तरह की जो इसकी फ्रंट लुक्स देखने को मिलती है। बोनट भी आपको कम्प्लीटली चेंज देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे वाइफर्स भी दिए गए हैं। एंड वाइफर्स की अगर बात करें तो कोई भी इस बार भी जो है उन्होंने एरोटिन वाइफर्स यहाँ पे ऐड नहीं करे हैं, नॉर्मल वाइफर्स ही आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एंड ऊपर की साइड जो है आपको वहाँ पे एडास भी आपको देखने को मिल जाता है, बिकॉज इसमें एडास भी आने लग गए हैं तो बहुत सारे फीचर्स भी उसमें ऐड करे गए हैं। 64 जो है यहाँ पे एडास के फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। नीचे की साइड रडार भी दिया गया है, एंड बहुत ही मेटेलिक फिनिश जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। साइड लुक की अगर बात करो तो कुछ इस तरह की जो है अपने को देखने को मिलती है अपनी द ऑल न्यू ह्युंडई क्रेटा। साइड से ज़्यादा कोई चेंजेस आपको नहीं देखने को मिलते हैं, बट यहाँ पे जो है अलॉयज की अगर बात करें तो यहाँ पे अलॉयज में बहुत ज़्यादा चेंज करा गया है, कंप्लीट अलॉयज जो है चेंज करे हैं। एंड अलॉयज की साइज़ की अगर बात करें तो यहाँ पे 17 इंच के जो है डायमंड कट अलॉयज आपको देखने को मिलते हैं। फ्रंट में भी आपको डिस्क ब्रेक्स ही देखने को मिलते हैं, रियर साइड में भी जो है आपको डिस्क ब्रेक्स ही देखने को मिलते हैं। टायर साइज़ की अगर बात करें तो 215/60 R17 के जो है टायर साइज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। साइड में आपको स्कीड प्लेट्स देखने को मिलती है जो कि सिल्वर की फिनिश के साथ आती है। एंड ये इसका ब्लैक कलर बहुत ही बढ़िया लगता है, बहुत ही सेक्सी जो है इसका कलर लगता है। 50 लीटर का जो है डीजल टैंक आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, बाकी एडब्ल्यू आप उसमें डाल ही सकते हो वैसे। एंड कुछ इस तरीके से कंप्लीट साइड लुक्स आपको देखने को मिलती है। एंड रियर के टायर की अगर बात करें तो रियर के साइड में भी जो है आपको यहाँ पे डिस्क ब्रेक्स ही ऑफर करे गए हैं टॉप एंड वेरिएंट होने के साथ साथ। एंड डायमंड कट अलॉयज भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। क्रोम डोर हैंडल्स दिए गए हैं, बाकी जो है पुरानी चीज़ें जो है आपको सॉर्ट ऑफ देखने को मिल जाती हैं यहाँ पे फिर से। एंड ऊपर की साइड जो है रूफ रेल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। एंड कुछ इस तरह का जिसका रियर लुक जो है देखने को मिलता है। क्रेटा की बैजिंग अगेन यहाँ पे देखने को मिलती है। बूट की अगर बात करें तो कुछ इस तरह का जो इसका कंप्लीट देखने को मिलता है। एंड टेललाइट्स की अगर बात करें तो वो भी आपको यहाँ पे कनेक्टिंग टेललाइट्स जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। ह्युंडई का लोगो कुछ इस तरह से जो है अंदर की साइड ही आपको इंटीग्रेटेड देखने को मिलता है। एंड एक फीचर भी है इसका हिडन फीचर, जैसे आप बूट को ओपन करते हो तो सिर्फ ए लाइट जो है चालू रहती है, ये जो है उस टाइम पे ऑफ हो जाती है। क्रेटा की बैजिंग यहाँ पे दी गई है, एंड SX की बैजिंग जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एंड कॉस्ट कटिंग इस बार नहीं करी है, चारों भी पार्किंग सेंसर आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। रिवर्स कैमरा यहाँ पे देखने को मिलता है, लाइसेंस प्लेट के बल्ब वगैरह जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। थोड़ी सी पीछे से बॉक्सियर हो गई है, बट नीचे की साइड से जो है थोड़ी थोड़ी ट्यूसों भी लगती है ये गाड़ी। वाइफर्स, डिफोकस, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप अब तुमको यहाँ पे देखने को मिलता है। फाइनली हाई माउंटेड स्टॉप लैंप ऊपर आ गए हैं। एंड शार्कफिन एंटीना भी जो है ऊपर की साइड आपको देखने को मिलता है, डिफोकस भी आपको देखने को मिलता है। एंड कुछ इस तरीके से इसकी रियर लुक्स आपको देखने को मिलती है कंप्लीट। एंड रियर पार्किंग लाइट जो है आपको इस साइड जो है नीचे की साइड देखने को मिलता है, जो कि थोड़ा सा ऑड करा गया है, हटके करा गया है। एंड एक ही जो है आपको बाय डिफॉल्ट देखने को मिलता है। नीचे की साइड कोई भी चीज़ें एक्स्ट्रा नहीं देखने को मिलती, बाकी साइलेंसर वगैरह जो है इसके डीजल वेरिएंट है तो साइलेंसर कुछ इस तरह से जो है नीचे की साइड ही आपको देखने को मिलता है। टोइंग हुक वगैरह आपको वहाँ पे देखने को मिल जाती है। एंड सॉर्ट ऑफ सिल्वर की फिनिशेज, एल्यूमिनियम फिनिशेज जो है आपको रियर साइड में भी जो है देखने को मिलती है। एंड गेस बूट स्पेस की अगर बात करें तो कुछ इस तरह का जो इसका बूट स्पेस देखने को मिलता है। पार्सल ट्रे कुछ इस तरह से जो है आपको देखने को मिलता है। बोस का सब वूफर जो है यहाँ पे दिए गए हैं। एंड कुछ स्पेसेस जो है आपको नीचे की साइड जो है इसका
जो है स्पेयर व्हील वगैरह जो है आपको देखने को मिल जाती है। बाकी स्पेयर व्हील की अगर बात करें तो वो आपको 16 इंच का ही जो है नॉर्मल देखने को मिलता है। बाकी वहाँ पे जो है अलॉयज वगैरह नहीं देखने को मिलते, कुछ स्पेस जो है आपको साइड में भी देखने को मिल जाती है। बाकी ये बलून्स जो है डिस्टर्ब कर रहे हैं भाई, एंड इसको कर देता हूँ बंद यहाँ पे। तो कुछ इस तरह की जो इसकी बैक लुक्स जो है कंप्लीट देखने को मिलती है। तो भाई चलते अंदर, क्या कुछ चीज़ें जो है आपको देखने को मिलती हैं, एंड वेलकम कार वाला फंक्शन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे मैं पास आ गया तो वैसे ही गाड़ी जो है अनलॉक हो जाती है, एंड ऑटो फोल्डिंग मिरर्स जो है अपने आप ही ओपन हो जाते हैं। कीलेस एंट्री की बात करें तो वो यहाँ पे देखने को मिलती है, बट रिक्वेस्ट सेंसर की अगर बात करें तो वो अभी भी जो है ड्राइवर साइड ही आपको देखने को मिलता है, को पैसेंजर साइड बिल्कुल भी आपको नहीं देखने को मिलता। क्रोम डोर हैंडल्स दिए गए हैं। इंटीरियर्स की अगर बात करें तो कुछ इस तरह की जो इसकी डुअल ट्रिम्स वगैरह आपको देखने को मिलती है। सॉर्ट ऑफ जो है चीज़ें जो है इसके ग्रे कलर में जो है कर दी गई है, पहले ब्लैक में आपको देखने को मिलती है, एंड यहाँ पे जो है क्रीम कलर जो है आपको व्हाइट में देखने को मिल जाता है टेक्सचर्स वगैरह। एंड कुछ इस तरह का जो है इसका जो है आपको इंटीरियर देखने को मिलता है, बहुत ही बढ़िया जो इसका इंटीरियर देखने को मिलता है। सीट्स 6-वे एडजस्टेबल जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक सीट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। कुछ इस तरह के जो इसको स्टेयरिंग कंट्रोल्स वगैरह देखने को मिलते हैं। अंदर जाके बात करेंगे, ये 1 लीटर वाली जो है यहाँ पे आपकी वाटर बॉटल भी आ सकती है। बोस की स्पीकर्स यहाँ पे दिए गए हैं, एंड विंडोज़ के कंट्रोल्स वगैरह आपको इस साइड जो है देखने को मिलते हैं। एंड सीट्स की अगर बात करें तो दोनों भी वेंटिलेटेड सीट्स देखने को मिलते हैं, बहुत ही कंफर्टेबल सीट जो है आपको लेदर रेड यहाँ पे देखने को मिलते हैं। चलते हैं अंदर, बात करते हैं अंदर की साइड जाके। तो कुछ इस तरह का जो गाइस आपको इंटीरियर इसका देखने को मिलता है, डोर को कर लेता बंद, एंड कुछ इस तरह की जो है इसकी लुक्स एंड एनिमेशंस आप कंप्लीट यहाँ पे देखने को मिलती है। बहुत ही बढ़िया इंटीरियर लगे हैं मुझे, बहुत ही पर्सनली मेरी चॉइस की अगर बात करो तो पर्सनली इंटीरियर मुझे बहुत सही लगे। एक्सटीरियर में भी थोड़ी सी सॉर्ट ऑफ 50-75% जो है गाड़ी मुझे पसंद आई है, बाकी ज़्यादा कुछ जो है फीचर्स में ज़्यादा चेंजेस यहाँ पे नहीं देखने को मिलते। तो गाइस कुछ इस तरह से जो है इसकी स्टीयरिंग भी आपको देखने को मिलता है, स्टीयरिंग के कंट्रोल्स जो है स्टीरियो के कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। एक बार इसको स्टार्ट ही कर ले तो, एंड गाइस अगर बात करें ना फिट एंड फिनिशेस की, बहुत ही बढ़िया फिट एंड फिनिशेस आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। सॉर्ट ऑफ जो है यहाँ पे रबराइज्ड थीम जो है आपको देखने को मिलती है, सॉर्ट ऑफ रबर जैसे लगता है, बाकी हार्ड प्लास्टिक से आपको देखने को मिलता है। ऊपर की साइड सबवूफर दिया गया है, कुछ इस तरह का जो इसका स्टीयरिंग व्हील आपको देखने को मिलता है। स्टीयरिंग व्हील पे जो है स्टीरियो के कंट्रोल इस साइड दिए गए हैं, एंड बाकी एडस के वगैरह जो है फीचर्स कुछ इस साइड जो है आपको देखने को मिल जाते हैं। बाकी इस तरह जो है आपको स्टीरियो के कंट्रोल्स कंप्लीट देखने को मिल जाते हैं। बाकी इसके फीचर्स की अगर बात करें तो कुछ इस तरह से जो इसके फीचर्स वगैरह जो है आपको देखने को मिल जाते हैं। हो जा मेरे भाई, ये हो नहीं रहा भाई, सॉरी। हाँ, इस साइड जो है वाईफाई के कंट्रोल्स आपको दिए गए हैं, हेडलाइट के कंट्रोल्स, कुछ कंट्रोल्स जो है आपको इस साइड जो है आपको देखने को मिलता है। एंड साथ ही साथ जो है आयोनिक 5 जैसे जो है चीज़ें सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। मैग्नेटिक पैड यहाँ पे दिया गया है, बट यहाँ पे जो है आप कोई चिपका नहीं सकते वो चीज़, आपको मैग्नेट ही उस पर ला के रखना पड़ेगा। अलग ही चीज़ कर दी है भाई यहाँ पे ह्युंडई ने, ध्यान नहीं दिया क्या कर दिया उनको ही मालूम। बाकी कुछ इस तरह से जो इसका इंटीरियर देखने को मिलता है, व्हाइट के साथ जो है आपको ग्रे की फिनिशेस जो है यहाँ पे देखने को मिलती है, एंड कुछ इस साइड जो है यहाँ पे रबराइज चीज़ें जो है देखने को मिलती है। एम्बिएंट लाइटिंग भी आपको यहाँ पे जो है देखने को मिल जाती है। बाकी इंटीरियर की अगर बात करें तो कुछ इस तरह की जो है इसकी एसी के कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं, डुअल जोन ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल एसी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, एंड बाकी स्टीरियो के कंट्रोल्स वगैरह जो है आपको एसी में देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ एसी के कंट्रोल्स भी जो है आपको एसी में ही देखने को मिल जाते हैं। वायरलेस चार्जिंग पैड आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, यूएसबी टाइप सी यूएसबी ए पोर्ट वाला देखने को मिलता है, एंड लाइटर वाला सॉकेट भी जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है भाई। एंड कुछ इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ऑटो होल्ड वाला फंक्शन भी जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, एंड कुछ दो कल इस तरह से जो है दो कप होल्डर्स आपको दिए गए हैं। बाकी कीज वगैरह रखने के लिए आपको कुछ शॉर्ट ऑफ स्पेस यहाँ पे देखने को मिल जाती है, एंड ग्लोब बॉक्स की अगर बात करें तो वो भी आपको ग्रे कलर के साथ देखने को मिलता है। कोई भी यहाँ पे एडजस्टेबल और फीचर नहीं दिया गया है, शायद से मुझे लगता है कि इन्होंने यहाँ पे जियो सावन भी देके रखा है, बट क्लाइमेट कंट्रोल में यहाँ पे एयर प्यूरीफायर कहाँ पे गया वो भी मालूम नहीं है भाई। पहले यहाँ पे आता था वो गायब कर दिया है शायद से, एंड कोई आइडिया है नहीं अभी तक मुझे। एंड यहाँ पे कुछ इस तरह की जो है सॉर्ट ऑफ स्पेस जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। बाकी ठंडा ठंडा लग रहा है, बट कूल्ड ग्लव बॉक्स नहीं है, एंड सॉफ्ट टच वगैरह जो है आपको इसी पे जो है देखने को मिल जाती है चीज़ें। डीकट स्टीयरिंग व्हील आपको देखने को मिलता है, बहुत ही बड़ा बहुत ही प्यारा जो है इसका स्टीयरिंग व्हील आपको देखने को मिलता है। बहुत ही मस्त जो है इसके इंटीरियर्स लगे मुझे, एंड ऑटो डिमिंग आयर व्यू वगैरह जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। एडस के फीचर्स अगेन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। बाकी कुछ इस तरह से जो आपकी इसकी सनरूफ भी जो है देखने को मिल जाती है। बाकी टाइम वगैरह जो है यहाँ पे बहुत लगाती है, एंड सनवाइजर्स की अगर बात करें तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। इस साइड भी जो है आपको वैनिटी विनर के साथ जो है सनवाइजर देखने को मिल जाता है, एंड
ग्लब बॉक्स की अगर बात करें तो वो भी आपको यहाँ पे डिसेंट सा जो है ग्लब बॉक्स, गुड ग्लब बॉक्स देखने को मिलता है। बाकी सॉर्ट ऑफ चीप थिंग्स यहाँ पे दिए गए हैं एंड मैनुअल वगैरह जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बाकी गुड जो है ग्लब बॉक्स यहाँ पे देखने को मिलता है, बट किया सेल्टोस में जो है आपको यहाँ पे जो है गुड ग्लब बॉक्स नहीं देखने को मिलता, उसमें जो है वो चीज़ें मिसिंग है बहुत ज़्यादा। बाकी फ्लुएंट है स्क्रीन, बाकी इसके डिस्प्ले की अगर बात करें तो बहुत ही बढ़िया डिस्प्ले जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। बाकी फीचर्स की अगर बात करें तो वो भी बहुत ही बढ़िया है। बाकी जियो सावन वगैरह जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है एंड आप अगर इसमें इंटरनेट वगैरह कनेक्ट करना चाहो तो वो भी यहाँ पे कर सकते हो। बाकी वाईफाई अगर देना चाहो तो वो भी देख सकते हो। बाकी इस साइड से आप जो है इसको कंट्रोल कर सकते हो एंड सॉर्ट ऑफ चीज़ें जो है मुझे भी पता नहीं है अभी तक, बहुत ज़्यादा जो है कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें जो है इसमें देखने को मिल जाती है। स्टीयरिंग व्हील की अगर बात करो तो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक जो है आपको दोनों भी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बाकी टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एग्जिस्ट करते करते वाईफाई जो है इसके चलने लग गए हैं एंड बहुत ही बढ़िया जो है इंटीरियर लगा है मुझे। बहुत ही पर्सनली अगर बात करूँ ना, बहुत ही एब्सोल्युटली मस्त इंटीरियर जो है इसके क्रेटा के अपने को देखने को मिलता है, बहुत ही बढ़िया है। एंड ये इसका 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन डीजल में एंड बहुत ही वाइज सॉफ्ट क्लचेस वगैरह एक्सेलेटर वगैरह जो है बहुत ही मस्त देखने को मिलते हैं। गाड़ी की ड्राइविंग डायनामिक्स भी जो है बहुत ही एग्रेसिव है। इंजन की अगर क्या ही बात करें भाई, डीजल इंजन है ना तो बहुत ही बढ़िया है। इसका BS6 Phase 2 वाला इंजन है तो अगेन आपको यहाँ पे यूरिया वाली चीज़ें जो है आपको देखने को मिलती हैं। चलते भाई पीछे एंड बोस के सराउंडिंग साउंड सिस्टम जो है आपको देखने को मिलता है, बहुत ही अच्छी खासी क्वालिटी जो है आपको देखने को मिलती है। अगर साउंड आपको इसका सुनना हो तो इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो जरूर कर लेना, बाकी कॉपीराइट यहाँ पे दे देंगे ये तो उसके रीज़न से जो है यूट्यूब पे डाल नहीं सकते, तो सॉर्ट ऑफ जो है चीज़ें इंस्टाग्राम पे भी देखनी चाहिए तो हमें फॉलो ज़रूर कर लेना। एंड बोस के कंप्लीट स्पीकर जो है देखने को मिलते हैं, ट्विटर स्पीकर जो है दोनों भी आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ऑटो स्टार्ट स्टॉप ट्रैक्शन कंट्रोल एंड पार्किंग अगर ऑन ऑफ करना चाहो तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। हेडलाइट लेवलिंग का भी फंक्शन यहाँ पे दिया गया है। बाकी वेंटिलेटेड सीट्स वगैरह जो है आपको यहाँ पे दोनों भी को पैसेंजर पैसेंजर के लिए जो है देखने को मिल जाती है। बाकी 360 डिग्री कैमरा की अगर बात करें तो वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एंड बाकी ये जो है वेंटिलेटेड सीट ज़्यादा ही कुछ आवाज़ ज़्यादा करती है तो इसको कर दे तो बंद। बाकी बर्ड व्यू की अगर बात करें तो वो भी बहुत ही बढ़िया जो है देखने को मिलता है, बट यहाँ पे जो है गाड़ी में सनरूफ भी नहीं है एंड मैचिंग कलर भी जो है गाड़ी का यहाँ पे नहीं देखने को मिलता आपको। एनीवेज चलते भाई पीछे, क्या कुछ चीज़ें जो आपको वहाँ पे देखने को मिलते हैं। सनवाइजर जो है देखने को मिलते हैं, सनग्लास होल्डर भी आपको देखने को मिलता है एंड यहाँ पे जो है रीडिंग लैंप भी आपको जो है देखने को मिल जाते हैं। चलते भाई पीछे, यहाँ कुछ चीज़ें पीछे भी साइड जो है आपको देखने को मिलती हैं। तो सॉर्ट ऑफ इस तरह के जो इसके डुअल ट्रिम्स देखने को मिलती है, सनवाइजर्स आपको सनसेट से आपके प्रोवाइड करे गए हैं एंड डुअल ट्रिम की अगर बात करें तो ग्रे एंड वाइट की थीम के साथ जो है आपको फिनिशेज इसकी देखने को मिलती है। इंटीरियर की अगर बात करें तो वो भी आपको जो है दो हेडरेस्ट जो है हुंडई ने प्रोवाइड करे हैं इस बार भी एंड रिक्लाइन एंगल की बात करें तो दो बार जो है आपको इसको रिक्लाइन भी जो है कुछ इस तरह से आप अगर करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी यहाँ पे जो है बहुत ही बढ़िया जो स्पेस की अगर बात करें तो मेरे हेड के हिसाब से जो है मैंने कम्प्लीटली ही पीछे करके रखी है सीट्स, तो कुछ इस तरह की जो है इसके हेडरूम एंड नी रूम जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है मुझे देखने को मिला है। बहुत ही अच्छी खासी स्पेसेस जो है इस पर देखने को मिलती है मुझे। बाकी ये एक्सपोजर ज़्यादा ही कर देता है भाई, आईफोन की प्रॉब्लम्स ही ना इतनी ज़्यादा है तो वीडियो बनाने का मन नहीं करता कभी कभी, बट बनाना पड़ता है। बाकी मैगजीन होल्डर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, दोनों भी साइड बहुत ही अच्छी क्वालिटी के मैगजीन होल्डर्स देखने को मिलते हैं। एसी के वेंट्स अगेन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं एंड चार्जिंग पोर्ट की अगर बात करें तो दोनों भी जो है टाइप सी पोर्ट आपको यहाँ पे हो जाए भाई फोकस यार एंड यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सॉर्ट ऑफ स्पेसेस जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, एसी के वेंट्स आपको वहाँ पे देखने को मिलते हैं एंड यहाँ पे जो है बहुत ही बढ़िया जो है सीट के पोस्चर्स वगैरह देखने को मिलते हैं एंड लाइट की अगर बात करें रीडिंग लैंप आपको यहाँ पे दोनों भी साइड जो है देखने को मिल जाते हैं। एंड सनरूफ की अगर बात करें तो अगेन सनरूफ भी जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, तो भाई कुछ इस तरह की जो इसकी पैनोरामिक सनरूफ जो है बहुत ही एरी फील होता है। एंड सॉर्ट ऑफ जो है दो ही हेडरेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, दोनों भी एग्जिस्टेबल हेडरेस्ट है बट ह्युंडई ने यहाँ पे चेंज करना था चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है कि थर्ड हेडरेस्ट भी जो है बीच वाले के बंदे के लिए जो है देना चाहिए था, ऐसा जो है करना चाहिए ह्युंडई ने। बाकी जो है भाई ठीक है बट यहाँ पे जो है ह्युंडई ने वो चीज़ करी नहीं है। बाकी इंटीरियर्स की अगर बात करें तो कुछ इस तरह की जो है चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। बाकी मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी ये गाड़ी एंड आपको कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताना एंड बहुत ही बढ़िया जो है गाड़ी मुझे पर्सनली लगी है। बाकी बताने के लिए रियर साइड में ऐसी ज़्यादा कुछ चीज़ें है नहीं, क्योंकि आपको यहाँ इस साइड भी जो है आपको सनवाइजर जो है सनशेड्स देखने को मिलते हैं सॉरी एंड यहाँ पर जो है बाकी यार ज़्यादा कुछ चीज़ें है ही नहीं तो क्या ही बताए। बाकी जो
इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें जो है ना है इसमें, तो बाकी आपको अदर वेरिएंट्स पे भी इसको वीडियो चाहिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना पड़ेगा, एंड आगे आपको वीडियोस भी इसकी और ज़्यादा देखने को मिलेगी। एंड एयरबैग्स की अगर बात करें, सेफ्टी की अगर बात करें, तो आपको 6 एयरबैग्स जो इसमें बेस वेरियंट से टॉप वेरियंट तक जो है स्टैंडर्ड आपको देखने को मिलते हैं। इसमें भी जो है 6 एयरबैग्स जो है देखने को आपको मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पर कुछ इस तरह की जो है इसका कैबिन वगैरह लगता है, बहुत ही एरी एरी फील होता है। एंड बहुत ही साउंड क्वालिटी की अगर बात करें ना, बोस के स्पीकर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, बट विंडोज़ जो है आपको वन टच अप डाउन वाले नहीं देखने को मिलते हैं, बट वो चीज़ें जो है किया सेल्टोस में भी जो है देखने को मिल जाती है। ये गाड़ी जो है डीजल मैनुअल के साथ आती है, बट किया सेल्टोस में अगर आपको जाना है तो वहाँ पे IMT वाला ही वेरियंट आपको लेना पड़ेगा। कोई भी ऑटोमेटिक वाला उसमें ऑप्शन आता है DCT वाला, एंड इसमें जो है आपको DCT एंड टॉर्क कन्वर्टर वाला जो है आपको देखने को मिलता है, साथ ही साथ इसमें मैनुअल भी आपको जो है थर्ड ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस तरह की जो इसकी रियर साइड्स है, कंप्लीट लुक्स इसकी लगती है। एंड हेडरूम की अगर बात करूँ तो बहुत ही बढ़िया जो है हेडरूम यहाँ पे देखने को मिलता है। एंड अंडर थाई सपोर्ट की अगर बात करूँ तो रिक्लाइन एंगल भी जो है इसका एक्सटेंड कर सकता हूँ कुछ इस तरह से, बहुत ही बढ़िया जो है रिक्लाइन एंगल है इसका। बाकी यार बहुत ही बढ़िया जो है गाड़ी मुझे लगी है, एंड एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए जो है Hyundai ने ये चीज़ें जो है आपको प्रोवाइड करी ही है, मुझे भी बहुत सही लगी ये चीज़ें। एंड सॉर्ट ऑफ पहले से ही देखने को मिल जाती थी, एंड बीच वाले बंदे के लिए जो है सॉर्ट ऑफ 3-point सीट बेल्ट जो है यहाँ पे देखने को आपको मिल जाती है कुछ इस तरह से। एंड बहुत ही अच्छी चीज़ है भाई, सेफ्टी के तरफ जो है Hyundai का ज़्यादा ध्यान जा रहा है। फ्रंट वाली सीट बेल्ट जो है आपको एडजस्टेबल ही देखने को मिल जाती है। एंड चलते हैं भाई बाहर, क्या कुछ चीज़ें जो है आपको देखने को मिलती हैं। इंजन की अगर बात करें तो इसमें स्पेशली जो है आपको 1.5 लीटर वाला डीजल CRDI डीजल इंजन आपको देखने को मिलते हैं BS6 फेज 2 के साथ। तो कुछ इस तरह की जो है इसकी कंप्लीट लुक्स है भाई। एंड ये ही अपनी 2024 Hyundai क्रेटा कैसी लगी आपको कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो देखने का धन्यवाद, थैंक यू सो मच। एंड कुछ इस तरह की जो है अपनी प्यारी ऑल न्यू Hyundai क्रेटा है भाई, ब्लैक कलर के साथ। एंड नया भी इसमें कलर जो है आपको ग्रीनिश में एस्टन मार्टिन में जो ग्रीनिश कलर आता है वैसा सा कलर जो है इसमें आपको नया ऑप्शन कलर के साथ भी जो है देखने को मिलता है। तो कुछ इस तरह की जो है अपनी द ऑल न्यू Hyundai क्रेटा 2024 फेस लिफ्ट आपको कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। एंड वीडियो देखने का धन्यवाद, थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।